हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम जो है एक आम आदमी की, गरीब तबके की, सीधे सीधे उसके पेट भरने के मामले की जो खबर है आपको दिखा रहे हैं। मुमरा कौसा में जितनी भी राशन की दुकानें हैं, उन राशन की दुकानों पर ज़्यादातर राशन लेने वाले गरीब तबके के लोगों को किस तरह से सताया जा रहा है, किस तरह से उन्हें बायोमेट्रिक जो है रजिस्ट्रेशन न होने के कारण आपको राशन नहीं मिलेगा, किसी को 3 साल से, किसी को 4 साल से, किसी को 6 महीने से, किसी का अगर ट्रांसफ़र का केस है तो उसको सालों से रखड़ाया जा रहा है। किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर रेशनिंग अथॉरिटी जो है यहाँ के लोगों को राहत नहीं दे रही है। वही लोगों का ये आरोप भी है कि जितनी भी दुकानें हैं मुमरा कौसा में जो राशन, सरकारी राशन बांटने का काम करती है, वो सभी के सभी इस पूरे अनाज का जो है ब्लैक मार्केट करती है। कैसे होता है ये ब्लैक मार्केट, ये आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। लेकिन गरीबों का हक, बड़े बड़े दावे केंद्र सरकार से लेकर के गली के नेता तक, अन्नपूर्ण योजना से लेकर के जनधन योजना तक की ऐसी कई योजनाएं सरकारी स्तर पर चलाने के बाद भी आज गरीब आदमी राशन के लिए किस तरह से तरस रहा है वो यहाँ पर खुल करके देखने मिल रहा है। कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन इसका कोई ठोस जवाब जो है मुमरा कौसा के रेशनिंग ऑफिसर्स के पास नहीं है, यहाँ के कार्यालय के अधिकारियों के पास नहीं है। इस संबंध में हमने यहाँ के रेशनिंग ऑफिसर RS बापट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मातहत अधिकारी शिंदे मैडम ने हमें बताया कि वो इसी संबंध में, इसी समस्या पर चर्चा करने के लिए थाने स्थित मुख्यालय में गए हुए हैं। वहाँ से उन्होंने फ़ोन पर शिंदे मैडम को जवाब दिया कि जो जेन्युइन केसेस है जिनका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन नहीं हो पाता है, उनको हम स्लिप के ऊपर जो है राशन देना जारी रखेंगे। मगर जहां लोगों के शिकायतों की बात करें, जहां लोगों के आरोपों की बात करें, वहां पर ये साफ दिखता है कि स्लिप के बावजूद जो है लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। तब जाकर के आज यहां पर हज़ारों की भीड़ जो है मेक कंपनी के रेशनिंग कार्यालय में इकट्ठा हुई और इस पूरी भीड़ ने, इस पूरे आवाम ने जो है अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। पुलिस को आना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर के जो है स्थिति नियंत्रण में आई है। लेकिन सबसे इसमें दुख की बात यह है कि जब हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने यहाँ के लोगों से बात की, ये विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे उनसे बात की कि इस संबंध में उन्होंने अपने यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों, अन्य पार्टी के नेताओं को या यहाँ के विधायक को इस संबंध में शिकायतें की है या नहीं, तो सब ने कहा कि हर स्तर पर हमने शिकायतें की, राशन नहीं मिल रहा है। गली के छुड़भैया नेता से लेकर नगर सेवक से लेकर के विधायक तक, सबको हमने जो है ये शिकायतें की है। सब सिर्फ हमें एक ही आश्वासन देते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन राशन मिलता नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखलाक हसन काजी। कहाँ रहते हैं आप? किस्मत कॉलोनी में। आइए, मेक कंपनी के राशनिंग ऑफिस पर आप लोग आए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या वजह? ये हम लोग को राशन आज 1.5 महीने से आगे पीछे कर रहा है। अभी बोलता मशीन पे आपका नाम नहीं आया, आपको राशन नहीं मिलेगा, हमको ऊपर से अलाउड नहीं है, इसके लिए राशन वो लोग दे रहे नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए। ये आपके इलाके की जो दुकान है जी, राशन की जी, वो राशन की दुकान वाला राशन दे नहीं रहा? दे नहीं रहा हम लोग को। क्या बायोमेट्रिक मशीन का प्रॉब्लम हो रहा है? मशीन में नाम नहीं आया बोलता है, नाम नहीं आया, तो बहुत से लोग वापस भेज रहे, बोले राशन तुम लोग को बंद हो गया है, ऊपर से देने का अलाउड नहीं है हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है। कहाँ रहते आप? मैं इसमें गुलाब पार्क में रहता हूँ। गुलाब पार्क में रहते आप, तो वहाँ की भी राशन दुकान पे राशन नहीं मिल रहा? राशन पहले हमको देता था, पहले मशीन जो थी उसमें अंगूठा लगता था, बाद में ये लोग ने मशीन लाया तो बोलता तुम्हारा अंगूठा नहीं आएगा, तुमको राशन नहीं मिलेगा। अच्छा। तो उसके बाद में मैंने ऐसे ऑफिसर से लिख के लेके गया था, तो मेरे को 2-3 महीने राशन दिया। अभी गए महीने में भी बोला राशन नहीं देगा, तो फिर मैं ऑफिसर के पास आया तो लिख के दिया था, उसने कहा इनको राशन देना। अभी वो दुकान वाला बोलता है कि राशन हम तुमको दे नहीं सकते, उसने बोला इधर मई कंपनी में चलो 12 बजे ऑफिसर आने वाला है, और सबको बोला तुम जितने भी यहाँ मेंबर है राशन दुकान के उनको बोला तुम उधर आओ मई कंपनी में। अभी मई कंपनी में आए तो इधर बोलता ऑफिसर है ही नहीं, तो फिर ये लोग दुकानदार और ये जो ऑफिसर लोग है ये सब मिलकर राजकारण बना रहे और पब्लिक को खाली परेशानी में डाल रहे, और ये लोग दुकानदार क्या करते हैं और ये ऑफिसर लोग कि लास्ट में अभी बोलेंगे सबको राशन नहीं है भाई जाओ तुम चले जाओ। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में 4 लोग है। 4 लोग है। हाँ। तो कितना यूनिट है आपका राशन कार्ड पर? 8 यूनिट हो गए, 4 लोग। 8 यूनिट है। हाँ। तो क्या क्या मिलता है आपको? मेरे को सिर्फ चावल और गेहूँ मिलते थे, घासलेट लोग ने बंद कर दिया, मेरा एक बाटला था तो। अच्छा, तो चलो घासलेट बंद कर दिया, तो अभी वो चावल गेहूँ भी वो लोग देने को तैयार नहीं, और खाली ये ऑफिसर लोग क्या करते हैं और ये राशन वाला अभी लास्ट महीने में पब्लिक को बोलेगा माल नहीं, तुम्हारा अंगूठा नहीं तुम चले जाओ,
और कितने दिन से आपको राशन नहीं मिल रहा? मेरे को अभी गए महीने से राशन देने का बंद कर दिया उसने। मैंने एक महीना हो गया। हाँ, पहले मेरे को बंद बोला था उसने दुकान वाले ने, तो मैंने ऐसे ऑफिसर से लिख के लेके गया था। आज भी मेरे पास उसकी जरूरत है लिख के, तो फिर देता था। अभी गए महीने से तो उसने बिल्कुल बंद कर दिया, बोलता नहीं देगा, ऊपर से ऑर्डर है। तो मैं बोला जब ऑर्डर है तो बाकी का ऑर्डर नहीं है, खाली तुमको ब्लैक करने का ऑर्डर नहीं है। लास्ट महीने में ये लोग क्या करता है, दुकान वाला पब्लिक को हटा देता है, तुम्हारा अंगूठा नहीं आया जाओ जाओ बोल के, और बाद में वो माल सब 18 रुपया और 16 रुपये ब्लैक में इन लोग के लिए माल। तो ये क्या है, ऑफिसर लोग और ये दुकान वाला, ये सब मिली जुली सरकार है और पब्लिक का गरीब का माल ये लोग खा जा रहे। खाला क्या नाम है आपका? हसीना बी इनतुले। कहाँ रहते आप? किस्मत कॉलोनी मल्टी हाउस बिल्डिंग। किस्मत कॉलोनी में रहते आप? वहाँ भी राशन की दुकान है? वहाँ पे नहीं यार, तनवर नगर में हम लोग को दिया है। फारूक अल्लाह रखा नाम है वो दुकान वाले का, पर उसने आज 2 महीने से हम लोग को परेशान करके रखा है। बोलता का इसके मशीन के ऊपर अंगूठा नहीं आएगा तो राशन नहीं मिलेगा। आपका नहीं आएगा तो आपको राशन नहीं मिलेगा। तो ये मशीन का झंझट ही निकाल दो ना, आधार कार्ड दे और अंगूठा निकालो, रसीद दे दो। हम लोग को पहले भी रसीद मिलती थी, हम लोग कितने पुराने, हमारे बच्चे इतने थे, अभी आज बड़ा हो गए। हम लोग घड़ी घड़ी इधर 20-40 रुपया खर्च के इधर आना, और ऑफिसर नहीं रहता है। बोले कहाँ गया? तो बोले इलेक्शन में गया। मैं चांद नगर में उधर से हम लोग। चाचा आप कहाँ रहते? मैं जीवन भाग में बैठा रहता हूँ जी। वहाँ भी यही प्रॉब्लम है। मसला तो ये बना है कि हमको खाली राशन तो मिलता ही नहीं है, खाली घासलेट मिलता था वो भी बंद कर दिया। अभी क्या खाएं? हमको तो 2 महीने से ज्यादा हो गए, घासलेट दे ही नहीं रहा है। अब घर में बाटला ही नहीं है, इससे उससे क्या भीख मांगे आदमी कैसा जिंदगी गुजारेगा, कैसा जिएगा, क्या करेंगे इंसान, क्या खाएगा क्या? जब उसको उसने सीधा मेरे राशन वाले ने बोला कि आप मेरे नाम की कंप्लेंट करो। मेरा नाम शाहिद शेख है, मैं सम्राट नगर में रहता हूँ, बाजू में राशन के ऑफिस है। 7 महीने से सिर्फ डिजिटल नंबर के लिए मुझे परेशान कर रहा है, क्या नहीं मिलेगा, आ रहा है सर्वर बने, 7 महीने से सर्वर बने उनका। अच्छा मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने ये राशनिंग का मसला चल रहा है, आपको जो है थंब इम्प्रेशन के लिए परेशान किया जा रहा है, डिजिटल नंबर के लिए परेशान किया जा रहा है, तो इसको लेकर के आपने अपने इलाके के मकामी नगर सेवक या यहाँ के आमदार या यहाँ के समाज सेवक या जो भी पॉलिटिकल कोई दूसरी पार्टियों के लोग, इनको कभी किसी को अपने मसले बताए? सब बोले हो जाएगा, आज तक कुछ हुआ नहीं, सब राशन घोटाला कर रहे लोग, ये लोग महीने में बोलेगा ये। यानी मकामी नगर सेवकों नेताओं से कोई आप लोगों को मदद नहीं मिली? दुकानदार क्या बोलता है? ये कोई मदद नहीं है राजा किसी। हर महीने में दुकानदार बोलेगा आधार कार्ड लाओ, जरूरत निकाल के ये जमा करो, सब कुछ दे रहे हैं। आधार कार्ड देने के बाद में जब राशन ही नहीं आता है तो ब्लैक क्यों करते? पब्लिक का माल खजाना सब लुटा रहे हो, दूसरों ब्लैक कर रहे हो, उसके लिए कुछ नहीं है। इधर आते ऑफिसर हम लोग को पावती देता है, वो बोलता है पावती नहीं, हम लोग को मालूम नहीं पावती में डेट नहीं लिखे, हम लोग इधर आके पावती लिखाते तो पावती में डेट नहीं तो हम लोग को राशन नहीं दिलता। वापिस आके इधर पावती में डेट लिखा के जाओ, वो मेड अभी देखो गाँव दिया चावल नहीं दिया, पावती उसके पास है, ऐसा थोड़ी चलता है। नंदू का है, ऑफिसर ने मुझे लिख के, एक मिनट, ये ऑफिसर ने मुझे लिख के दिया था कि इनको राशन दे देना बोल के, पर दुकानदार इतना नाटक कर रहा है कि बोलता नहीं देगा। 3 महीने हुए राशन कार्ड आप लोगों को खाली बताया था थम्स लाओ, आधार कार्ड लाओ, सब लेके जाने के बावजूद भी लेकिन कुछ देता नहीं राशन वाला। आज राशन वाले ने खुद बोला कि तुम शाम में अपने दोपहर में इधर आओ सब मिल के, और कम से कम नहीं तो भी 5,000 पब्लिक होगी, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है इसकी चीज की। खाली लिख रहे हैं, बाद में खाली लिख रहा है। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या मसला हो रहा है? राशन नहीं मिल रहा आपको? कितने दिन से नहीं मिल रहा? 3 साल हो गया मेरे को नहीं मिला। 3 साल से राशन नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं मिलता है, कितना मरता हूँ मैं, आधार कार्ड और ये सब ला के प्रूफ बताई, और फिर 2 घंटे से धूप में खड़ी होकर लाइन लगाई हूँ, और गई लाइन लगा के फिर गई बोलते हैं 2 दिन के बाद। कितने लोग हैं आपके घर में? 6 लोग। क्या बेटा क्या बोलना चाह रहे हो? सर मेरा नाम तैयब है, मैं किस्मत कॉलोनी में रहता हूँ, और मेरा राशन का दुकान मतलब चांद नगर में। अच्छा, अंगूठा आता है मेरा, 2 महीने से राशन नहीं दे रहा, बोलता आपका राशन शो नहीं कर रहा है। सर सब कुछ फॉर्म भर के आधार कार्ड राशन कार्ड जो भी फॉर्मेलिटीज़ है पैन कार्ड वगैरह सब दे दिए 2 महीने से, कुछ दिन पहले तो हमारे को ऐसे लिख के देता था बिना अंगूठे का, अभी बोलता है तुम्हारा अंगूठा आ रहा है लेकिन राशन नहीं आ रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं पूछना चाहता हूँ। काला बाजारी हो रही थी। अच्छा, मुंब्रा में टोटल राशन कार्ड, टोटल राशन धारक को
लिए परेशान किया जाता था, कालाबाजारी हो रही थी। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको लेटर दिया और लेटर देने के बाद वहां से रोक लगा है कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी राशन कार्ड अभी राशन वाला नहीं बांट सकता। क्यों ऐसा? वजह एक वजह क्या है? अनाज क्यों नहीं दिया जा रहा है राशन कार्ड? क्योंकि ये दुकानदार बोलते थे कि आपका फिंगर नहीं आया, आपका नाम नहीं आया, अंगूठा नहीं आ रहा है बोलता। मेरे 6 बच्चे, मेरा बेटा एक दिन कमाता है दूसरे दिन नहीं, और मैं जिंदगी भर मेहनत करती हूँ, दुनिया देख रही थी मेरे को। आप कहाँ रहते खाला? में रहती हूँ। आपको अनाज कितना मिलता है हर महीने? 12 किलो चावल और 18 किलो गेहूँ मिलते हैं। अभी आपको कितना अनाज मिला? मुझे भी नहीं मिला है, मेरे को दौड़ा रहा है इधर उधर, मेरे ऊपर नहीं मिला। आपका क्या कहना है? मेरे को 4 बार बुलाया है राशन वाले ने, और गेहूँ नहीं दिया है, गेहूँ पूरा फुल दुकान में फाड़ के ब्लैक कर दिया। मैडम है ना, बस ले मेरी मम्मी। आपको अभी क्या वजह बताया? टेक्निकल वजह क्या बताया? कुछ बोला नहीं है, अभी बोला खाली चावल है, चावल मतलब आपका थंब का प्रॉब्लम नहीं है? मेरा आप कहाँ रहते हैं और आपकी राशन दुकान किधर है? मैं चांदनगर में रहती हूँ, नंदू फास्टफूड वाले की राशन दुकान। तो आपको अनाज क्यों नहीं मिला? अंगूठा नहीं आ रहा है? नहीं दिया, लगाया। हाँ, तो वेरीफाई नहीं हुआ इसीलिए आपको नहीं मिला। आपके आपका क्या प्रॉब्लम है? नंदू की दुकान है, नंदू राशन वाला। आप रहते किधर? आपकी दुकान कहाँ? मरकट कम्प्लेक्स कंडारी चांदनगर। अच्छा, आपकी दुकान कहाँ है? नंदू बाजार। अच्छा, तो आपको उन्होंने क्या बताया अनाज क्यों नहीं मिलेगा? हमारे क्या एक्चुअली क्या लोगों की ये जो शिकायत है, बायोमेट्रिक सर्वे नहीं हो रहा है, थंब इम्प्रेशन लगने के बाद भी कई लोगों ने बताया कि हम थंब इम्प्रेशन मिलने के बाद भी हमको राशन नहीं मिल रहा है। बूढ़े लोग वगैरह रहते हैं ना, उनका इंप्रेशन आता नहीं। अच्छा, मशीन का काम है ना, मशीन है वो। नहीं, लेकिन आप अल्टरनेट यहाँ से लोगों को जो स्लिप देते हैं जिनका अगर थंब इंप्रेशन नहीं आ रहा है, हाँ, तो वो स्लिप भी दुकानदार मतलब राशन दुकानदार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो ऊपर से ऑर्डर आया है कि ऑनलाइन ही बेचने का, ऑफलाइन पूरा बंद कर देगा। ठीक है ना ऑफलाइन, लेकिन इतने हजारों की तादाद में अगर ऑनलाइन लोगों को प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आपको अल्टरनेट कुछ ना कुछ तो उसको पर्याय निकालना पड़ेगा ना आपको। लेकिन अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं सबको ऐड करने के, लेकिन ऊपर गवर्नमेंट जब ऐड करेगी तो 2013 आपका सिस्टम फेलियर है मैडम। मैडम देखिए कैसा है, ऑनलाइन आपका सिस्टम अगर फेल हो रहा है, इतने सारे लोगों को अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो उसकी कोई पर्याय व्यवस्था आप लोगों को तो करना पड़ेगी ना। मुमरा कौसा में पिछले 10 महीनों से कब्रिस्तान को लेकर के बहुत राजनीति गर्म है, लेकिन मुमरा कौसा में बसा हुआ तकरीबन 60-70% इलाका जो है जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय यानी लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग रहते हैं, इस गरीब तबके के पेट में उसका एक हक जो है राशन कार्ड के जरिए जो है सरकारी अनाज जो मिलता है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी सुध लेने की किसी को कुछ पड़ी नहीं है। कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल जो है इस ओर झांकने तैयार नहीं है और इस पर जो है किसी तरह का कोई काम करने तैयार नहीं है। ऐसी आम तौर पर शिकायतें आज यहाँ की रशीद कंपाउंड, श्रीलंका,
किस्मत कॉलोनी, चांद नगर, सम्राट नगर, इन इलाकों से आए हुए हजारों लोगों ने ये शिकायत आमतौर पर की। आज इस शहर में मुर्दा दफनाने पर राजनीति चल रही है, लेकिन शहरवासी के पेट में राशन का अनाज नहीं जा रहा है तो वो जिंदा कैसे रहेगा, इसकी सुध लेने की जो है यहाँ के राजनीतिज्ञों को कोई फिक्र नहीं है। ये दिखाने वाली थी आज की हमारी ये खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।